हेलो एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। बच्चों मेरा नाम है शिवम सारस्वत और आप सभी मुझे जानते हैं डिफेंस एग्जाम मास्टर के नाम से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू डिफेंस एग्जाम मास्टर, बेल आइकन दबा लेना ताकि मेरी सारी वीडियोस अपडेट्स आपको मिलती रहे, आपका कोई भी जॉब नोटिफिकेशन ना छूटे, कोई भी वैकेंसी फौज की आपसे ना छूटे, आपको सारी वीडियोस मेरी मिलेंगी इमीडिएटली। जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होता है तुरंत आपको वीडियो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में मिल जाएंगी। बीटेक वाले बच्चों के लिए इंजीनियर्स ओनली एंड बीटेक एंट्रीज की एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, उस पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बताऊंगा कि आज मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे किस चीज के लिए लाइव आया हूँ। आज मैं लाइव आया हूँ एसएससी डब्ल्यू टैक 34 की कट ऑफ आ चुकी है आर्मी के द्वारा, जो अक्टूबर 2024 का कोर्स है। तो कट ऑफ हो गई है रिलीज, डब्ल्यू टैक 34 अक्टूबर 2024 का जो कोर्स है। ब्रांच वाइज कट ऑफ क्या है, एसएसबी शॉर्टलिस्टिंग हो चुकी है। मेरे को मेरे बैच के बच्चों, मेरे जो मेंटीज है, जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी लड़कियों ने क्वालिफाई किया है, उनकी कट ऑफ अच्छे मार्क्स थे जिनके, उन सबको कॉल अप आया है, उनकी डेट सिलेक्शन उन्होंने कर ली है। मैंने अपने बच्चों को मई की डेट सेलेक्ट करने के लिए बोला है, मई और जून की, क्योंकि उनकी तैयारी भी मुझे करानी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रांच वाइज क्या है। तो क्यूमुलेटिव फॉर पास्ट कैंडिडेट एंड अप टू 6th सेमेस्टर क्यूमुलेटिव फॉर इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स, सेकेंड सेमेस्टर इन एमएससी के सेकेंड सेमेस्टर तक। सिविल की जो वैकेंसी है, ब्रांच यहाँ पे मैं ब्रांच वाइज वैकेंसी बता देता हूँ डब्ल्यू टेक में कितनी है। बच्चों सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, सिविल के अंदर 7 लड़कियों की वैकेंसी है और सिविल की जो कट ऑफ गई है दैट इज 74%। सीएससी यानी कंप्यूटर साइंस के अंदर बेटा 4 वैकेंसी है और जो कट ऑफ गई है 86, सबसे हाईएस्ट गई है सीएस की कट ऑफ। इलेक्ट्रिकल के अंदर 3 वैकेंसी है और 80% इलेक्ट्रिकल की लड़कियों की कट ऑफ गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 6 वैकेंसी हैं और 79 उसकी कट ऑफ गई है। यहाँ पे मेरी एक स्टूडेंट है, उसने क्वालिफाई किया है, ठीक है। मैकेनिकल में भाई हमारी खुद की ब्रांच है यार मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में आप देख लो तुम क्या हाल है। 9 लड़कियों की कितनी वैकेंसी है भाई, मैकेनिकल वाली लड़कियाँ देख रही हो, 9 है बेटा वैकेंसी, सबसे ज़्यादा तुम्हारी वैकेंसी है और कट ऑफ भी देख लो तुम्हारी 60%। तो यहाँ पे मौजा ही मौजा हो गया मैकेनिकल वाली लड़कियों के, आ गए मज़े। तुम्हारी 9 सीटें, 60% कट ऑफ, तुम्हारा भाई भी मैकेनिकल वाला है, तो जो भी मैकेनिकल स्ट्रीम वाली लड़कियां देख रही हैं मेरे को, हालांकि लड़कियों की संख्या मैकेनिकल में हमेशा से कम होती है, हमारी भी कॉलेज क्लास में एक ही लड़की थी, मेरी खुद की बड़ी बहन जो है वो मैकेनिकल से थी बट उसकी भी क्लास में 2 ही लड़कियां थी, तो मैकेनिकल में लड़कियों की संख्या कम रहती है। हालांकि अभी सिचुएशन चेंज हो गई है कुछ समय के बाद, लड़कियां बढ़ चढ़ के मैकेनिकल एरोस्पेस और एरोनॉटिकल में जा रही हैं। तो मैकेनिकल में 9 वैकेंसी, 60% कट ऑफ, यानी कि यार देखो सीटें भी ज़्यादा हैं, कट ऑफ भी कम है, तो फॉलोअप ज़्यादा होगा, कॉलअप ज़्यादा बच्चों का होगा, तो चांसेस तो वही हैं। तो जोड़ लो 7 और 4 11 12 13 14 14 और 6 20 14 और 6 20 और 9, टोटल कितनी वैकेंसी हो गई, टोटल हो गई 29। तो फीमेल की टोटल 29, ये यार सीडीएस से भी ज़्यादा है। फीमेल वैकेंसी जो है टोटल, अगर मैं यहाँ पे बेटा बात करूँ, यहाँ पे लड़कियाँ ना बोलती है ना कि सर लड़कियों की सीटें नहीं है, सीटें नहीं है भाई, सीडीएस ओटीए के अंदर 16 सीटें होती हैं लड़कियों को। मैं बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, सी डी एस ओ टी ए में कितनी सीटें हैं लड़कियों की, 16 भाई। पहले तो 10 या 11 ही आती थी, 16 सीटें। और बीटेक वाली लड़कियों की, जो जिन बच्चियों ने इंजीनियरिंग करी है उनकी, देखो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी एड्रेस करूँगा इस वीडियो, अब जो भी लड़कियाँ इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने बीटेक के फाइनल ईयर की जो स्टूडेंट्स हैं और जिनकी बीटेक हो चुकी है, यहाँ पे उनके पेरेंट्स को भी मैं एड्रेस करूँगा। आप अपने मम्मी पापा को भी ये दिखाना, बड़े भाई बहनों को भी दिखाना, मैं चाहूँगा आप लोग इनको सपोर्ट करें आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने में। अगर आपके बच्चे का कॉल अप आया है एसएससी डब्ल्यू टैक 34 का, तो प्लीज़ उन्हें आप एसएसबी इंटरव्यू अटेंड करने भेजें। उसके रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए, आप मेरे नंबर पे मुझे रीच आउट कर लेना, मैं पेरेंट्स को बोलूँगा। पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न रहते हैं लड़कियों को फौज में भेजने को लेके, बट बहुत एक अच्छी लाइफ है फौज के अंदर। मैं आपको बोलूँगा कि आप मेरे पॉडकास्ट देखें, जो भी मेरी फीमेल सीनियर्स हैं, मेजर प्रीति सहरावत मैम टेक्निकल ऑफिसर थी सिग्नल्स के अंदर, उनका पॉडकास्ट आप मेरा देखना, स्क्वाड लीडर ज्योति मैम, स्क्वाड लीडर नेहा राठी मैम, विंग कमांडर जया अतारे, स्क्वाड लीडर अन्विता द्विवेदी, इन सारे ऑफिसर्स के आप देखें, सब इंजीनियरिंग वाले थे, ठीक है। इन्होंने एक लीप हासिल करी थी उस ज़माने में, अभी तो वो सर्विसेज से बाहर भी आ गए। मैं चाहूँगा आप बच्चियों को थोड़ा सा सपोर्ट करें। आपको एसएसबी को लेकर आप कंसर्न है, आप मेरे पास बच्चे को भेज देना, वो जिम्मेदारी मेरी कि उसकी तैयारी कैसे अच्छे से होगी और वो बच्चा सेलेक्ट कैसे होगा, दैट इज़ अप टू मी, ठीक है जी। और अगर आप रिटन एग्जाम की भी कोई बच्ची तैयारी कर रही है सीडीएस एफकेट की, तो वो लड़की भी आप मेरे पास भेज दो अपनी, वो उसको भी मैं तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, यहाँ तो केवल मेरी बहनें बहनें हैं, तो बहनों भाई देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, मैं तुमको बोलूँगा इसको मिस मत करना यार, जिस जिसको कॉल अप आया है ना
चुपचाप से मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करना। मैंने एसएसबी का ना फ्री ग्रुप बनाया हुआ है, फ्री एसएसबी मेंटरशिप मैं दे रहा हूँ। एक फ्री एसएसबी का ग्रुप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस फ्री एसएसबी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। सारे बीटेक वाले बच्चे मोस्टली वहाँ पे हैं। लड़कों का ग्रुप बनाया था, 360 के आसपास उसमें लड़के अभी तक हैं। अब फ्री एसएसबी बैच क्लेम कर लेना कि भैया मेरा नाम ये है, डेट ऑफ बर्थ ये मेरी डेट है, मुझे फ्री बैच दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके अलावा रुद्र सर का हमारा एक पेड बैच भी आता है जिसकी फीस है कुछ, वो आपको मैं बता दूंगा जब आप मुझे रीच आउट करेंगे। तो आप सिस्टमेटिकली तैयारी करते हो, चाहते हो शॉर्ट शॉर्ट मुझे सिलेक्शन चाहिए, भैया मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो आपकी साइकोलॉजी की ट्रेनिंग कराई जाएगी, आपके मॉक इंटरव्यूज ले जाएंगे, आपके पीआईक्यू बुक किया जाएगा, आपकी सारी चीजों की तैयारी कराई जाएगी, जीटीओ वगैरह की वो भी सुविधा उपलब्ध है। आप हो सकता है पहले भी ऐसे भी कोई स्टूडेंट हो जो पुराने एसएसबी दिए हो, जिसने स्क्रीन आउट हो, रिपीटर हो, मेरिट आउट हो, कुछ भी हो, तो भी आ जाना, ठीक है, करवा दूंगा मैं तैयारी। तो ये थी कट ऑफ बच्चों, और ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना रहा, इस वीडियो को उन सभी अपनी फीमेल कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना जो 22-23 से लेके 24-25 साल की एज में है, 26 साल तक की एज में है, क्योंकि इसकी जो एज लिमिट होती है वो वही होती है। आपकी एज लिमिट जो है अप टू 26 ईयर्स तक है, इसमें अप टू 26 रनिंग 27 अकेडमी तक हो जाना चाहिए। सबके साथ शेयर कर देना और मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है बेटा। ये वाला नंबर है कि भैया मुझे बैच चाहिए, 1000 वीडियो से ज़्यादा तो लड़कों वाली वीडियो पहुंच गई थी, 1000 बच्चों ने मेरे को मैसेज किया है, कम से कम सोचो तुम्हारे भाई की क्या हालत हुई है, ठीक है। मैंने सबको बैच दिया है, पर जैसा मैंने प्रॉमिस किया था फ्री बैच दिया है तो दिया है। शाम को 5 से 5:40 हर दिन जीडी कराता हूँ ग्रुप डिस्कशन, ताकि तुम्हारी अंग्रेजी सुधार दूँ, कम्युनिकेशन अच्छी कर दूँ, ताकि ऑफिसर मटेरियल बन के तो जाओ, ठीक है। तो वो चीज़ भी है, आ जाना, मैसेज कर देना। जय हिंद एंड आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, ठीक है। नंबर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी। मिलता हूँ।